में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत भी बड़ी और खास खबर के साथ करेंगे। खबर भोपाल से आपको बता दें, यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। आज शाम को शपथ ग्रहण हो सकती है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे। तो आपको बता दें, रीवा से भोपाल के लिए वे रवाना हो गए। बात करें महाकौशल की, तो यहां से गौरीशंकर बिसेन शपथ लेंगे। भोपाल में मौजूद है गौरीशंकर बिसेन और उन्होंने कहा है कि हमें भोपाल में रहने को कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट भोपाल से इस वक्त का, जहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार तय माना जा रहा है। शिवराज कैबिनेट का विस्तार यहां पर संभव बताया जा रहा है और तीन नाम यहां पर सामने आए हैं। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे, जो कि भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं रीवा से। महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन आज शपथ लेने जा रहे हैं। और वहीं भोपाल में आपको बता दें, गौरीशंकर बिसेन मौजूद है। उन्होंने कहा है कि हमें भोपाल में रहने को कहा गया है। तो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता देते हैं गौरीशंकर बिसेन कौन है। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। हमारे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और इसलिए उसमें जो भी निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शरद जी, मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है भाजपा और ये तो लगभग तय माना जा रहा है। दो से तीन नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वे शपथ भी लेंगे। तो क्या मायने निकाले जाए इस मंत्रिमंडल के विस्तार के? बिल्कुल संस्कृति, देखिए जो खबरें सामने आ रही हैं, राजेंद्र शुक्ला जी विंध्य से, रीवा से, बाई रोड सड़क मार्ग से भोपाल के लिए अल सुबह रवाना हो गए हैं। गौरीशंकर बिसेन भोपाल में हैं। अब ये भी शरद जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी और सीधे लिए चलती हूँ जहाँ पर हमारे संवाददाता मौजूद है और उनके साथ गौरीशंकर बिसेन मौजूद है। तो सीधे वहाँ लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिले, लेकिन जैसा आप लोग अटकलें सुन रहे उसी तरह से हम भी सुन रहे हैं। पर माना जा रहा है कि आपको कहा गया कि भोपाल में रुकिए, तमाम समर्थक भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सुबह से गुलदस्ता लेकर, गुलाब फूल लेकर आ गए आपके पास। समाचार में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आए तो लोग जरूर समाचार पे विश्वास करते हैं। खासतौर से माना जा रहा था महाकौशल क्षेत्र से प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसे में गौरीशंकर बिसेन को यदि मंत्री बनाया जाता तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि आपके समर्थक भी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छा दिन आज का। केंद्रीय और राज्य के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वेलफेयर कमीशन का अध्यक्ष की जवाबदारी दिया और हमने पूरे राज्य का प्रवास करके ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत की और जो विधानसभा में संकल्प पारित हुआ था कि ओबीसी के बिना रिजर्वेशन के स्थानीय निकाय पंचायत राज के चुनाव नहीं होंगे, उस काम का जिम्मा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे संगठन ने हमें दिया। अब जो जवाबदारी पार्टी देगी उसको भी पूरी मुस्तैदी के साथ में जवाबदारी के साथ में करेंगे। आपने पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, देखिए हम देख रहे हैं ये बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया और आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है, तो उसको कैसे निभाएंगे आप? हमारे सामने विधानसभा के चुनाव है और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं। हम चुनाव में पुनः मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसके लिए पूरी ताकत लगाएंगे। गौरीशंकर बिसेन आज मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जाएगा, जनता में भी एक प्रभाव पड़ेगा? ये जवाबदारियां मिलती हैं तो संदेश तो अच्छा जाता ही है, लेकिन जवाबदारियां भी बढ़ती हैं। और 38 विधानसभा सीटों का जो हमारा जबलपुर संभाग है और 30 विधानसभा क्षेत्रों का सहलोल और रीवा विंध्य जिसको कहते हैं, ये लगभग 68 जो विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर माननीय शुक्ला जी के भी नाम की चर्चा है, तो मुझे लगता है कि इन 68 सीटों पे तो फायदा मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश के 230 सीटों पे लाभ होगा। तो
बिल्कुल, यदि मंत्री बनाए जाते हैं तो खासतौर से महाकौशल की 38 सीटों पर प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए धीरे धीरे जो समर्थक हैं वो उनके निवास पर पहुंचने लगे हैं और बड़ी संख्या में माना जा रहा है कि बालाघाट क्षेत्र से भी समर्थक पहुंच रहे हैं। जैसे ही खबर मिली थी कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और खासतौर से जो पुख्ता सूत्र है उनके अनुसार, तो एक्सक्लूसिव आपने बातचीत की है, आपसे और अपडेट लेते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ लगातार बने। जी शरद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्या मायने निकाले जाए मंत्रिमंडल के विस्तार के? चलिए, किसी कारणवश हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और एक्सक्लूसिव बातचीत की थी हमारे संवाददाता सूरज ने गौरीशंकर बिसेन से। मंत्रिमंडल का विस्तार अब लगभग तय माना जा रहा है, आज शाम को शपथ हो सकती है। विंध्य से आपको बता दें राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे, तो रीवा से राजेंद्र शुक्ल भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो वहीं महाकौशल की बात करें तो यहां से गौरीशंकर बिसेन शपथ लेने वाले हैं। तो शिवराज कैबिनेट के विस्तार लगभग तय माना जा रहा है और दो नाम यहां पर सामने निकल कर आ रहे हैं। विंध्य से राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे, तो वहीं महाकौशल से गौरीशंकर बिसेन। तो गौरीशंकर बिसेन की हम बात करें तो 1985 से बालाघाट सीट से वे विधायक रहे हैं, 7 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं। वहीं प्रदेश बीजेपी और ओबीसी वर्ग के दिग्गज नेता वो रहे हैं, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं गौरीशंकर बिसेन, जिनसे अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने। बात कर लेते राजेंद्र शुक्ल की, तो राजेंद्र शुक्ल 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, आवास और पर्यावरण के लिए राज्य मंत्री भी बने। 2008 और 2013 में फिर जीतकर विधानसभा पहुंचे, तो वहीं 2013 में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली। तो जैव प्रौद्योगिकी, खनिज संसाधन और कानून मंत्री वे रहे हैं। तो राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो दोनों ही मंत्रियों का अच्छा खासा राजनीतिक इतिहास रहा है और इसी के चलते उनको ये खास जिम्मेदारी सौंपी गई। और इसी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनु सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे चर्चा करेंगे। मनोज जी, मंत्रिमंडल का विस्तार तो तय माना जा रहा है, दो यहां पर नाम सामने आ रहे हैं, तो किस हिसाब से मायने निकाले जाए मंत्रिमंडल के विस्तार के, क्योंकि अब दो लोगों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों नाम तो लगभग तय है। राजेंद्र शुक्ल जो रीवा से रवाना हो गए भोपाल के लिए, करीब 11 बजे भोपाल पहुंच जाएंगे। दूसरा गौरीशंकर बिसेन, दोनों नाम है लेकिन दो नामों की और भी चर्चा है, राहुल लोधी और साथ ही जानीम सिंह पटेल की, कुछ जनजाति वर्ग के नामों की चर्चा भी। लेकिन मंत्रिमंडल के यदि हम गौर करें तो सिर्फ 4 लोगों का स्थान है, उसमें 2 का नाम लगभग तय है और ये भी संभावना है कि इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है। बड़ी बात यह है कि जातिगत समीकरणों को देखें या क्षेत्रीय समीकरणों को देखें, चुनाव से ठीक पहले ये चुनावी मंत्रिमंडल इसको कहा जा सकता विस्तार है और कई बार इन नामों को लेकर चर्चाएं चलती रही है। गौरीशंकर बिसेन भी अपनी जगह समय समय पर नाराजगी या एक तरह का मैसेज, पहले उनको पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज दिया गया, अब नई तैयारी है कि उनको मंत्री बनाया जा रहा है। जैसा उन्होंने भी कहा कि मुझे भोपाल में रुकने का कहा गया, राजेंद्र शुक्ल रवाना हुए रीवा से भोपाल के लिए और वो भी कई मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी, उद्योग मंत्री रहे हैं, जनसंपर्क मंत्री रहे, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाते रहे हैं पहले भी, अब एक बार फिर तैयारी, दोनों मंत्री बनने जा रहे हैं और ये संभावना है कि 7 से 8 बजे के बीच में, हालांकि 2 समय मुख्यमंत्री ने 10 से 11 रिजर्व रखा है और रात को 7 से 8 के बीच में रिजर्व रखा है, तो इसी बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना बड़ी तेज हो गई क्योंकि दोनों लोग भोपाल पहुंचे। बिल्कुल, महाकौशल से जिस हिसाब से गौरीशंकर बिसेन जी का नाम सामने आ रहा है और इस इलाके में 38 सीटें आती, कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, पवार और बिसेन जो वर्ग है काफी है, हर एक सीट पर प्रभाव छोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि छिंदवाड़ा, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लक्ष्य बनाया, अमित शाह अभी चंबल ग्वालियर पहुंचे बैठक में कार्य समिति में, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी जीत छिंदवाड़ा से होना चाहिए और यदि इस वर्ग को आप साध लेते हैं तो जो रास्ता है वो कुछ हद तक आसान हो जाएगा। जनजाति और बिसेन या पवार वर्ग जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, सिवनी की बात करें तो वहां से नाम बहुत तेजी से प्रदीप जायसवाल किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, उस बीच में हमने कुछ इनकी तरफ से विरोध भी देखा, तो गौरीशंकर बिसेन को यदि मंत्री बनाते हैं तो वो तमाम तरह के समीकरण साध लिए जाएंगे। इसी तरह राजेंद्र शुक्ल की बात करें, ब्राह्मण वोटर है, बड़ा नाम है, चुनाव के क्षेत्र में मैनेजमेंट का उनका एक अलग सिलसिला रहा, खासकर बिंद में, बिंद ने बहुत अच्छा साथ 2018 में भारतीय जनता पार्टी का दिया था, इसीलिए बहुमत के नजदीक पहुंची भी थी बीजेपी, हालांकि बहुमत नहीं मिल पाया था,
तो ये अलग अलग समीकरणों को देखते हुए दोनों को मौका दिया जा रहा है। जातिगत समीकरण भी सरेंगे, क्षेत्रीय समीकरण भी सरेंगे, लेकिन समय बहुत कम है, डेढ़ महीने, लगभग डेढ़ महीने मंत्री रहेंगे दोनों, क्योंकि 5 से 10 अक्टूबर के बीच में आ जाते हैं। तो जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे दें, हाँ, मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है, आज शाम को शपथ भी हो सकती है। बात करें विंध्य की, तो यहाँ से राजेंद्र शुक्ल शपथ लेंगे, रीवा से भोपाल के लिए भी रवाना हो गए। बात करें महाकौशल की, तो गौरी शंकर बिसेन यहाँ से शपथ लेने वाले हैं, भोपाल में अभी वे मौजूद भी हैं, और एक्सक्लूसिव बातचीत भी की हमारे संवाददाता सूरज शर्मा ने, जो कि हमने आपको बताया, हमें आपको बता दें गौरीशंकर बिसेन ने यह भी कहा कि हमें भोपाल में रहने को कहा गया है, और दोनों ही मंत्रियों का अच्छा खासा राजनीतिक इतिहास भी रहा है। जातिगत समीकरणों को, क्षेत्रीय संतुलन को साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, अच्छी पैठ जमाने की कोशिश की जा रही है। और चलिए हमारे साथ तीन संवाद, शांत बिसेन और रीवा से अंचल शुक्ला मौजूद हैं, इन तीनों से ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलिए आपको ले चलते बालाघाट से, हम बात करेंगे निशांत से। निशांत, बड़े नाम सामने आ रहे हैं यहाँ पर, मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय माना जा रहा है, क्या कुछ मायने और प्रभाव देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, बालाघाट से सिटिंग एमएलए गौरीशंकर बिसेन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि गौरीशंकर बिसेन 10 साल तक शिवराज सरकार में मंत्री रहे। मार्च 2020 में जब सत्ता में बीजेपी ने वापसी की थी, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे, तो ये उम्मीद थी कि गौरीशंकर बिसेन को मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब चुनाव के मुहाने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और अपने सीनियर मोस्ट एमएलए को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाने वो जा रही है। गौरीशंकर बिसेन के बारे में आपको बता दूं कि वो 1985 से लगातार विधायक हैं, यानी 38 साल, इस बीच वो 2 बार सांसद भी रहे, तो 7 बार के विधायक हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा है, खासकर ओबीसी वर्ग की राजनीति का वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा है। यही वजह है कि 2 साल पहले जब ओबीसी आयोग के गठन का ऐलान शिवराज सिंह चौहान ने किया था, तो उस ओबीसी आयोग का अध्यक्ष बिसेन को बनाया गया था। इसी ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए थे। गौरीशंकर बिसेन का अपना वर्चस्व है, चूंकि बालाघाट जिस जिले से वो आते हैं, यहाँ के जो सीमावर्ती जिले हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी उनका प्रभाव है। बालाघाट जो कि पवार बाहुल्य राजनीति का केंद्र है, तो यहाँ की 6 सीट यहाँ पर है, सभी 6 सीट पर गौरीशंकर बिसेन प्रभाव रखते हैं। इसके अलावा छिंदवाड़ा के वो लंबे समय तक प्रभारी मंत्री रहे हैं, तो छिंदवाड़ा में भी 1 लाख से ज्यादा पवार मतदाता है, तो उनके बीच भी उनकी पैठ है। ये इन्हीं सब बातों को देखते हुए, बिसेन के सीनियोरिटी को देखते हुए, और एक सर्वमान्य चेहरे की इस वक्त आवश्यकता है जो कई स्तरों पर विरोध के सुरों को शांत कर सके, लिहाजा गौरीशंकर बिसेन पर एक बार फिर भरोसा जताया है। एक और केमिस्ट्री उनकी सीएम के साथ जो है, वो बड़े विश्वस्त माने जाते हैं, उनकी बिल्कुल कोर टीम का हिस्सा है, लंबे समय तक उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ काम किया है, तो माना जा सकता है कि चुनाव के ठीक पहले जब शिवराज सिंह चौहान अपने विश्वस्तों पर भरोसा कर रहे हैं, तो उसमें से एक नाम गौरीशंकर बिसेन का भी है। जी निश्चित रूप से, क्योंकि अच्छा खासा उनका राजनीतिक इतिहास भी रहा है, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी वे रहे हैं, तो अच्छी खासी उनकी पैठ भी ओबीसी वर्ग में देखने को मिल रही होगी। बने रहे आप हमारे साथ लगातार, रिवर्स से अंचल शुक्ला भी जुड़े हुए, अंचल से बात कर लेते हैं। देखिए, जो मंत्रिमंडल के विस्तार की खबर सामने आई है, 2 से 3 नाम भी सामने आए, फिलहाल 2 नामों का पक्का बताया जा रहा है कि आज शपथ लेंगे, कुछ और नाम भी सामने आए हैं, और बात कर ले अगर रीवा की, तो यहां से भी राजेंद्र शुक्ल का नाम सामने आया है, क्या मायने निकाले जाए और कितना प्रभावी इस इलाके में उनका आना और मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होना माना जाए? देखिए संस्कृति, में आपको बताऊं कि राजेंद्र शुक्ला रीवा ही नहीं बल्कि पूरे विंध्य का सर्वमान्य चेहरा है। उनका सरल और सहज स्वभाव जो है, और पार्टी की जो भी जिम्मेदारियां उन्हें, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, या नगर परिषद या ग्रामीण निकाय के चुनाव हो, जब भी उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई तो नतीजा सदैव भी बेहतर रहा है, और लगातार इस बात की मांग भी की जा रही थी कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार अभी बनी थी पिछले दौरान 18 के चुनावों के बाद, सरकार कांग्रेस की गिरने के बाद, तो लगातार
बार इस चीज की मांग की जा रही थी कि राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला एक ऐसा नाम है जो मंत्रिमंडल में काफी दिनों तक रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारियां ऊर्जा मंत्री, जनसंपर्क और उद्योग मंत्रालय जैसे मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं, और ऊर्जा मंत्री रहते हुए प्रदेश में बिजली का जो संकट था अटल ज्योति योजना के तहत उसको भी दूर किया था, तो काफी काबिल माने जाते हैं। जब पहली बार 2003 में वो विधायक बने थे रीवा से, तो लगभग 60,000 मतों से वो विजयी हुए थे और वो रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए थे। हालांकि लगातार आने वाले चुनावों में ये आंकड़ा घटता चला गया, लेकिन उनकी जो सर्वमान्यता है, उनकी जो लोकप्रियता है, वो कहीं से कहीं तक नहीं घटी, और इसीलिए शायद उन्हें विकास पुरुष के नाम से भी विंध्य की जनता पुकारती है। और वो सामंजस्य बैठाने में माहिर माने जाते हैं, चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं, और इस चीज की मांग चल रही थी कि उन्हें विंध्य से मंत्री बनाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अभी जिस तरीके से पुष्ट सूत्रों से खबर मिली है, और वो रीवा से भोपाल के लिए रवाना भी हो गए हैं, उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है, उनके जो शुभचिंतक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनमें काफी खुशी की लहर है। और इसके साथ जो एक सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष भी विंध्य से ही आते हैं, लेकिन अभी हाल ही में मऊगंज 53वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था, और रीवा जिले की 8 में से 2 विधानसभाएं अब मऊगंज जिले में आती हैं। तो ऐसे में बड़ा समीकरण साधने की बात की जा रही है, उन्हें विंध्य की जिम्मेदारी भी दी गई है, और विंध्य जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में भी 30 में से 24 सीटें यहां पर मिली थी, और इस बार उसे बढ़ाने के लिए लगातार कवायद चल रही है, बड़े नेताओं का दौरा भी चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां विंध्य को साधने में लगी हुई हैं। ऐसे में चुनाव के ठीक पहले राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया जाना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव माना जा रहा है, और राजेंद्र शुक्ला रीवा से भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। अगर पुष्ट सूत्रों की माने तो आज देर शाम तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और उसमें राजेंद्र शुक्ला को जगह मिल सकती है, जिससे निश्चित रूप से विंध्य को साधने में मजबूती मिलेगी। जी संस्कृति, बिल्कुल, राजेंद्र शुक्ल शपथ भी लेंगे और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। और हमारे साथ लगातार बालाघाट से निशांत बिसेन भी जुड़े, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। निशांत, दो नाम और सामने आ रहे हैं, जालिम से पटेल और राहुल लोधी के नाम भी सामने आ रहे हैं शपथ को लेकर, तो इस बारे में क्या जानकारी है, क्या वे भी शपथ लेंगे, क्या ये तय माना जा रहा है? जी बिल्कुल, जालम सिंह पटेल भी नरसिंहपुर जिले से आते हैं, महाकौशल क्षेत्र का ही ये हिस्सा है। महाकौशल से शुरुआत से ही मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देने की मांग उठती रही है, और आपको बता दूं कि 2020 में जब कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो बालाघाट जिले से परसवाड़ा के जो एमएलए हैं रामकिशोर कावरे, उन्हें शामिल किया गया था राज्य मंत्री के तौर पर। पूरे महाकौशल संभाग से, जबलपुर संभाग से लगातार मंत्रिमंडल में स्थान की मांग थी, लेकिन फिलहाल जो नाम, दो नाम पुष्ट हुए हैं, एक तो विंध्य से राजेंद्र शुक्ल का और महाकौशल से, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन का नाम यहां पर सामने आ रहा है। हालांकि जो अन्य दो नाम हैं उनके बारे में भी आधिकारिक रूप से अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त बालाघाट से लेकर भोपाल तक जश्न का माहौल शुरू हो गया है। बिसेन चूंकि सीनियर नेता हैं, उनके समर्थक इस वक्त खुशी के रंग में दिखाई दे रहे हैं, बड़ी संख्या में उनके समर्थक भोपाल भी पहुंच गए हैं, और अगर शपथ ग्रहण आज निशांत आपको एक बड़ी खबर दे दे, यहां पर रोकना चाहेंगे कि गौरीशंकर बिसेन भोपाल पहुंच गए हैं, और सीधे वहां पर लिए चलते हैं। सूरज हमारे साथ लगातार जुड़े, सूरज अपडेट दे, वहां पर गौरीशंकर बिसेन जी पहुंच गए हैं? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम जो समर्थक वो पहुंच रहे हैं, पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहड़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ ही बालाघाट के बैयर से जो हाल ही में घोषित प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगभग अब ये तय माना जा रहा है, इनसे बात भी करेंगे, आप उम्मीदवार हैं और माना जा रहा है कि आज जो आपके नेता हैं भाऊ, वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। महाकौशल के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले गौरीशंकर जी बिसेन, जो अपने जीवन में हमेशा चरैवेति के मूल मंत्र को लेकर के काम करने वाले, हमेशा फिर सरकार का हिस्सा बन रहे, तो कितना फायदा क्षेत्र को होगा? निश्चित रूप से आपके मंत्रिमंडल में आने से जहां एक तरफ राजनीतिक रूप से लाभ होगा, वहीं प्रशासनिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी और उसका लाभ समग्र रूप से जनता को भी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को भी होगा। आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, गौरीशंकर बिसेन के मंत्री बनने से उस क्षेत्र में क्या होगा? खासतौर से बैयर की बात करें, पूरे बालाघाट क्षेत्र की बात करें, 7 से 8 सीटें आती हैं, तो क्या एक अच्छा संदेश जाएगा सरकार की तरफ से? निश्चित रूप से, अनुभवी नेता हैं, प्रशासनिक दक्षता है, राजनीतिक रूप से सक्षम व्यक्तित्व है, उसका समग्र रूप से लाभ हमारे जिले को और महाकौशल क्षेत्र को मिलेगा।
देखिए धीरे धीरे तैयारियां होने लगी हैं और तमाम जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, बुके गुलदस्ते लेकर पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है बालाघाट से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा खासतौर से हम बात करें तो लगभग तैयारियां मानी जा रही हैं कि पूरी हो चुकी हैं। यही कारण है कि तमाम जो नेता हैं, खासतौर से दो नेताओं के नाम प्रमुख आ रहे हैं, चाहे वो रायन सिंह। सूरज, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, आपने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी जो कि हमने दिखाए थे गौरीशंकर बिसेन से, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और लगातार हमारे साथ शरद जी भी बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे थे, किसी कारणवश चर्चा को रोकना पड़ा था। जी शरद जी, आप अपनी बात रखिए, चर्चा पूरी करिए। मंत्रिमंडल का विस्तार तो तय माना जा रहा है, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए, एक तो पहले तो ये कि संभावना कल की अधिक है मंत्रिमंडल विस्तार की, और क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी प्रवास पे रहेंगे और परसों गवर्नर साहब का ग्वालियर का दौरा है, तो संभावना अधिक कल की भी बनती है। हालांकि खबर शाम 4 बजे की भी आ रही है, तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। संभावनाएं यही है कि एक विकल्प है जिसको बीजेपी ने तलाशा है, वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और इसीलिए इस कवायद को क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण और नेताओं के सम्मान की दृष्टि से इसको लेकर आगे बढ़ी है। ठीक जी शरद जी, तो ये तो तय ही माना जा रहा है और आपने जो जानकारी दी इसका भी कहीं ना कहीं बेहद ही अहम मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, और जितने भी हमारे रिपोर्टर सूरज और बालाघाट से निशांत, रीवा से अंचल शुक्ला, जानकारी के लिए आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।